आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं, शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, प्रशासन रोकने में नाकाम। गरीब का छलका दर्द, सभी योजनाएं अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। बरही, मध्य प्रदेश के विधानसभा विजय रावगढ़ के ग्राम पंचायत देवरा खुर्द में गरीब व्यक्ति की सुनाई तो सुनी ही नहीं जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जहां एक और गरीब के लिए अनेक योजनाओं को भली भांति पूर्वक उपयोग करवाया जा रहा है, वहीं कई ग्राम पंचायतों में सरपंच ने तो अपने को ही मुख्यमंत्री समझ लिया है। गरीब जाए तो जाए कहां। यह मामला देवरा खुर्द ग्राम पंचायत का है, जहां एक व्यक्ति की पत्नी 12 वर्षों से बीमार पड़ी हुई है और विकलांग है। उसकी दवाई के लिए उसके पति ने अपनी सारी जमीन और घर बेचकर उसका इलाज करवाया है। अब वह मजबूरन दूसरे के घर पर किराया से रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति संतोष चौधरी के द्वारा जब RPKP इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मुकेश बर्मन से वार्तालाप किया गया तो उसका दर्द छलक उठा। वादे उन्होंने अपना दर्द सुनाकर यह अपील की है कि विधायक महोदय, आप हमारी बात सुन रहे होंगे, आप हमारे ऊपर दया करें और हमारी समस्या का समाधान करें। रिपोर्ट मुकेश कुमार बर्मन, RPKP इंडिया न्यूज, बरही। क्या क्या आपके पास परेशानी है? मेरी परेशानी ये है कि मेरी जो मिसिज है वो आज लगभग 2012 से जी विकलांग पड़ी हुई है और शासन के द्वारा मुझे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं है। ना तो मेरा राशन कार्ड बना, ना मुझे आवास का कोई लाभ मिला, ना तो मेरे शासन की तरफ मतलब कोई भी मेरे को आज तक कुछ भी लाभ नहीं। जैसे मकान में रह रहे हो, ये किराए से रह रहे हो? ये भाई का मकान है, मेरा खुद का नहीं है। मेरे हिस्से का जो था सब बिक गया है और मैंने की दवाई करवा दी। जमीन जगह सब बिक गया? सब बिक गया, कुछ भी नहीं। क्षेत्रीय विधायक जो संजय स्तन पाठक जी हैं, उनसे क्या आवेदन है? माननीय के पास मैं गया हूँ 2-3 बार और उन्होंने कहा था कि भाई मैं तुम्हारा वास पास करवा दूंगा और आ भी गया था जी जी। लेकिन आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। जैसे आपका आवास आ गया था तो कहाँ गया था, किसको मिल गया, किसको दे दिया? ये मुझे पता नहीं। बोले कि भाई अब वहाँ पता करो, ब्लॉक में जाओ तो बोले वहाँ जाओ तो वहाँ हो गया, यही कर देते हैं, घुमा फिरा देते हैं जी। और जैसे विधायक जी से कोई भी मतलब लाभ नहीं है आपको? नहीं, मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला। और माननीय जी से मेरी प्रार्थना है, अगर वो मेरे को देख रहे हो तो मेरी प्रार्थना है उनसे कि जो मेरी मैसेज पड़ी है आज 2012 से, अच्छा जी, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार हर जगह दवाई करवाया, दिल्ली एम्स ले गया, जबलपुर, नागपुर, सब जगह ले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। खुद रहने का घर नहीं है। मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि वो मुझे मेरे परिवार के ऊपर दया करें और इनका विकलांग सर्टिफिकेट जो भी है पेंशन की, वो तो नहा सकती ना खा सकती, कुछ नहीं कर सकती है। चार या साहब भाइयों की मदद से, माँ बाप है तो थोड़ी बहुत काम किया, हाँ थोड़ी बहुत काम लगा तो कर लिए, हो गया घर। जैसे पंचायत में जैसे काम है तो वहाँ से भी कोई नहीं मानने पर, वहाँ से भी अपना कुछ नहीं है। बोलते भाई वो जात कार्ड तुम्हारा नाम नहीं है, ये वो, तो वहाँ से भी अपन को कोई। अच्छा, तो आपको मतलब पूरी तरह से आपको परेशानी का सामना है? हाँ साहब, मेरे को टोटल परेशानी है। आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? संतोष चौधरी, पत्नी का नाम शशि चौधरी। अच्छा, आपका ग्राम क्या लगता है? ग्राम देवरा खुर्द। और पंचायत क्या है आप? देवरा खुर्द। अच्छा, ये पंचायत है देवरा जी। और जिला क्या है आपका? कटनी। और तहसील क्या लगती है? बिजरा होगा।